गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ पोयम फ्रॉम योर बुक द नेम ऑफ दिस पोएम इज ऑल द वेल्स वे आर रिंगिंग सभी घंटियाँ बज रही थी नाउ स्टार्ट द पोयम लिटिल मौली इज क्राइम छोटी सी एक मॉली है मौली नाम की एक लड़की है जो रो रही है रीड दिस पोएम टू फाइंड आउट वाई सी इज अनहैप्पी आइए हम ये पता लगाते हैं कि वो क्यों उदास है तो ये पता लगाने के लिए हमें इस पोएम को पढ़ना होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑल द व्स वेअर रिंगिंग एंड ऑल द वर्ड्स वेअर सिंगिंग वैन मॉली सेट डाउन क्राइंग फॉर हर ब्रॉक एंड डॉल्स इस पोयम में ये कहा जा रहा है कि सभी घंटियाँ बज रही थीं और सभी पक्षी सभी चिड़ियाँ गाना भी गा रहे थे जब मौली अपनी टूटी हुई गुड़िया के लिए बैठकर रो रही थी यानी मौली अपनी टूटी हुई गुड़िया को लेकर रो रही थी उसी वक्त अच्छी अच्छी घंटियाँ बज रही थीं और उस समय चिड़ियाँ भी गाना गा रही थीं यू सिली मॉली, सॉबलिंग एंड सिंगिंग फॉर अ एंड डॉल ओ बुद्धू सी मौली बेवकूफ कहीं की हम कहते हैं ना जब कोई बच्चा बिना मतलब कोई छोटी सी बात के लिए रोता है तो हम उसे ऐसे ही कहते हैं ना अरे बेकार में रो रही हो क्यों रो रही हो तो ऐसे ही उसे कहा जा रहा है कि अरे बुद्धू क्यों रो रही हो वो भी एक टूटी सी गुड़िया के लिए वेन ऑल द वे आर रिंगिंग एंड ऑल द वर्ड्स आर सिंगिंग वो भी तब जब सारी घंटियाँ बज रही हैं और सारी चिड़िया गाना गा रही हैं तो इस तरह हम लोगों ने इस पोएम को पढ़ने के बाद ये जाना कि मौली क्यों रो रही थी तो मौली अपनी टूटी हुई गुड़िया के लिए रो रही थी नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर डू अबाउट द पोएम क्वेश्चन नंबर ए टिक द करेक्ट आंसर मॉली वाज क्राइंग बिकॉज मॉली रो रही थी क्योंकि क्यों रो रही थी मॉली तो ऑप्शन सुनिए ऑप्शन नंबर ए द बर्ड्स वे आर नॉट सिंगिंग चिड़िया वहाँ गाना नहीं गा रही थी द विल्स वे आर नॉट रिंगिंग घंटियाँ नहीं बज रही थी और सी में है हर डॉल वाज ब्रॉकेन यानी उसकी जो गुड़िया थी वो टूट गई थी तो कौन सा ऑप्शन होगा मौली क्यों उदास थी तो मौली तो अपनी टूटी हुई गुड़िया के लिए उदास थी तो इसमें सी नंबर सही हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर टू द विल्स वेयर यानी घंटियाँ वहाँ क्या कर रही थी रिंगिंग कर रही थी या नॉट रिंगिंग या सिंगिंग तो घंटियाँ रिंगिंग कर रही थी तो हम ए में टिक लगा देंगे अब नेक्स्ट द बर्ड्स वेयर अब चिड़ियाँ क्या कर रही थी घंटियाँ बज रही थी तो चिड़ियाँ गाना गा रही थी तो बर्ड्स आर वर्ड्स वेयर सिंगिंग तो हम यहाँ बी नंबर में सिंगिंग वाले बॉक्स में टिक लगा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बी राइट टी फॉर ट्रू एंड एप फॉर फॉल्स यानी यहाँ पे जो सेंटेंस सही है उसके लिए टी और जो फॉल्स है उसके लिए एफ़ लगाना है तो चलिए हम समझते हैं मौली लव्ड द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स मौली को बहुत प्यार है या बहुत प्यार आ रहा था किस चीज़ चिड़ियों के गाना पे तो उस समय तो वो रो रही थी गाना तो ध्यान दे ही नहीं रही थी तो ये लाइन फॉल्स यानी एफ लिखेंगे सेकेंड मौली वॉज वेरी अटैच्ड टू हर डॉल मौली को अपनी गुड़िया से बहुत ही लगाव था ये बात सच है या नहीं कोर्स ये बात सच है लगाव था तभी तो वो रो रही थी उसके लिए तो हम यहाँ टी डाल देंगे थर्ड मौली डिड नॉट इंजॉय द साउंड ऑफ द रिंगिंग ऑफ द वेस यानी मौली कोई मस्ती नहीं रही थी उसे कोई तरह की खुशी नहीं थी जब रिंगिंग हो रहा था यानी घंटियाँ बज रही थी तो ये लाइन तो बिल्कुल सही है क्योंकि घंटियाँ बज तो रही थी अच्छा भी था लेकिन मौली अपनी गुड़िया के कारण उदास थी इसलिए वो इंजॉय नहीं कर पा रही थी तो ये भी आपका क्या हो गया फॉल्स हो गया फोर्थ नंबर मौली वाज सॉबिंग एंड सिघिंग तो मौली क्या थी हड़बड़ाई सी थी अकबकाई सी थी तो बिल्कुल सही उसकी गुड़िया टूटने के कारण वो बहुत ही बेचैन थी, थी परेशान थी तो हम यहाँ पे टी डाल देंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री फाइंड आउट एंड राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम अब इस पोएम में जो जो वर्ड थे उसमें से कुछ वर्ड आपके लिए डाल दिए गए हैं और उस वर्ड के हिसाब से आपको उसका राइमिंग वर्ड्स यानी उससे मिलता जुलता वर्ड्स आपको लिखना है तो हम रिंगिंग की जगह पर हम बोल सकते हैं सिंगिंग एस आई एन जी आई एन जी डॉल की जगह हम मॉल हॉल बोल सकते हैं क्राइंग की जगह पर हम फ्राइंग ड्राइंग ये भी डाल सकते हैं तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर ए बी एंड सी को कर लिया अब इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है पोएम को आपको लर्न करना है तो बच्चों आप होमवर्क में इस पोएम को लर्न करेंगे और इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया उसे भी लर्न करेंगे वीडियो विल बी अपलोडेड सुन टिल देन स्टे होम स्टे सेफ